चलिए दोस्तों, एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपका हमारे चैनल द फैक्टो हिंदी में। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। अच्छा दोस्तों, क्या आप जानते कि नोट कैसे बनता है, कैसे छपाई होती है नोटों की? नहीं जानते तो ज्यादा मत सोचिए, बस वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, और बगल में जो घंटी है ना, जरा उसे भी दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। रुपया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने भारत में अपने शासन के दौरान किया था। भारत में नोटों को छापने का काम भारतीय रिजर्व बैंक और सिक्कों को ढालने का काम भारत सरकार करती है। भारत में सबसे पहला वाटरमार्क वाला नोट सन 1861 में छपा था। वर्तमान में भारत समेत 8 देशों की मुद्राओं को रुपया कहा जाता है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भारतीय नोट में 15 भाषाओं का इस्तेमाल होता है। आइए अब जानते हैं नोट कैसे बनाए जाते हैं। जिंदगी का गुजारा करने के लिए नोट यानी कि दौलत सबसे अहम चीज मानी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है नोट किस चीज से बनाए जाते हैं? शायद और लोगों की तरह आप भी यही कहेंगे कि नोट कागज से बनते हैं, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नोट कागज से नहीं बल्कि कपास से बनाए जाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, नोटों में कपास का इस्तेमाल। भारत सहित कई देशों के नोट कागज की जगह कपास के बने होते हैं, क्योंकि कपास कागज की तुलना में ज्यादा मजबूत होता है। नोट बनाने के लिए कपास के कच्चे माल को उपयोग में लाया जाता है, और नोट बनाने से पहले कपास को एक खास प्रक्रिया से गुजारा जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जरूर बताइए कि आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं, और अपने शहर का नाम भी हमें बताएं ना प्लीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत में नोट कहां पर छपते हैं? देश में 4 बैंक नोट प्रेस, 4 टकसाल और 1 पेपर मिल है। नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, सालबोनी पश्चिम बंगाल और मैसूर कर्नाटका में है। देवास के नोट प्रेस में एक साल में 265 करोड़ नोट छपते हैं। यहाँ पर 20, 50, 100 और 500 रुपए मूल्य के नोट छपते हैं। और एक मजेदार बात यह भी है कि देवास में ही नोटों में प्रयोग होने वाली स्याही का भी उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश के ही होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल है। नोट छपाई पेपर होशंगाबाद से और विदेश से आते हैं। भारतीय करेंसी नोट जिस पेपर पे तैयार होता है वो कॉटन से बना होता है। नोट को छापने में खास तरह की स्याही और खास तरह के कागज का प्रयोग किया जाता है। ये कागज इतना मजबूत होता है कि नए नोट को दोनों सिरों से खींच के अगर आप फाड़ना भी चाहें तो ये नहीं फटेगा। अब नजर डालते हैं इसके सीक्रेट फॉर्मूला पर। नोट बनाने से पहले कपास की ब्लीचिंग और धुलाई की जाती है, फिर इसकी लुगदी तैयार की जाती है। हालांकि इसका असली फॉर्मूला अभी भी सीक्रेट रखा गया है। फिर इस लुगदी को कागज की एक लंबी शीट में तब्दील करने के लिए सिलेंडर मोल्ड पेपर मशीन का उपयोग किया जाता है, और इसी दौरान नोट में वाटरमार्क जैसे कई सिक्योरिटी फीचर्स भी डाले जाते हैं। इसमें नकली नोटों की रोकथाम के लिए सिक्योरिटी फीचर्स डाले जाते हैं। बाजार में नकली नोटों की छपाई और जालसाजी न हो सके, इसके लिए नोटों में कई तरह के सिक्योरिटी फीचर्स डाले जाते हैं। यूरो मुद्रा में 10 से भी अधिक सिक्योरिटी फीचर्स डाले होते हैं, ताकि कोई आसानी से नकली नोट न छाप सके। इतने सिक्योरिटी फीचर्स डालने के बावजूद भी जालसाज नकली नोट छापने में कामयाब हो ही जाते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 2015 में यूरो मुद्रा के रिकॉर्ड संख्या में नकली नोट सामने आए थे। यूरोपियन सेंट्रल बैंक के अनुसार इस समय पूरी दुनिया में करीब 9 लाख यूरो के नकली नोट बाजार में हैं। भाई मेरा तो दिमाग ही सन्न रह गया सुनके। कई देश नोट छापने के लिए आउटसोर्सिंग का भी जरिया इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जर्मनी भी उनमें से एक है। जर्मनी का संघीय बैंक नोट छापने के लिए आउटसोर्सिंग की प्लानिंग कर रहा है, ताकि नोट छापने में लागत कम आए। इसी कारण पिछले साल जर्मन प्रिंटर ने अपनी म्यूनिख प्रेस से करीब 700 कर्मचारियों को निकाल दिया था, क्योंकि उन्हें नोटों की छपाई काफी महंगी पड़ रही थी। इसी कारण कंपनी मलेशिया और लिप्जिक से नोट छपवा रही है, ताकि नोट छापने की लागत कम आए। तो अब आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।